it's not done at all. I'm disturbed. That's fine, but this is not the way. This is not how any girl should तो देखा आपने इस वीडियो में। इस वीडियो में दंगल फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाली अदाकारा ज़ायरा वसीम लगातार रो रही हैं, परेशान नजर आ रही हैं। उनके साथ हुई है फ्लाइट में छेड़छाड़। क्या है पूरा माजरा बताते हैं आपको। नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है ज़ायरा वसीम के बारे में। दंगल फिल्म से अपनी पहचान बना चुकी अदाकारा ज़ायरा वसीम के साथ विस्तारा फ्लाइट में छेड़छाड़ हुई है। जी हाँ, दिल्ली मुंबई फ्लाइट में उनके साथ ये छेड़छाड़ की गई। ज़ायरा वसीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो स्टोरी करके, लाइव वीडियो करके लगातार रोते हुए परेशान हालत में छेड़छाड़ की घटना बताई है। अब देखिए जरा इस पूरे वीडियो को जिसमें ज़ायरा अपना दर्द बयां कर रही है। This is how we're going to take care of girls. No one will help us if we don't decide to help ourselves. And this is the worst thing. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ज़ायरा वसीम लगातार रो रही हैं, परेशान हैं। दरअसल विस्तारा फ्लाइट में उनके पीछे बैठे एक अधेड़ उम्र के शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। 17 साल की ज़ायरा ने बताया है कि जब वो सो रही थी तब उनकी सीट के पीछे वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था जो उनकी बैक और गर्दन को लगातार छूने की कोशिश कर रहा था। ये सब 5 से 10 मिनट तक चलता रहा। ज़ायरा वसीम ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो परेशान हो गई। उसकी फोटो खींचने की कोशिश भी की, लेकिन कम रोशनी के चलते उसकी फोटो वो नहीं ले पाई। हालांकि पहले ज़ायरा को लगा कि फ्लाइट की टर्बुलेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सोकर उठी तो उन्होंने पाया कि वो जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहा है, उन्हें छूने की कोशिश कर रहा है, उन्हें गलत मकसद से टच कर रहा है। पर इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि फ्लाइट के क्रू मेंबर्स में से किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने शिकायत की, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ज़ायरा ने बताया कि ये कोई तरीका नहीं है। किसी भी लड़की के लिए ये महसूस करना बेहद भयावह होता है। हालांकि इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मैंने अभी अभी वीडियो देखा, ये बेहद डरावना है। उसके बाद भी फ्लाइट क्रू ने कोई मदद नहीं की, जबकि विस्तारा एयरलाइंस दावा करती है कि वो ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन हैरान हूं कि फिर भी ऐसा हुआ। फिलहाल विस्तारा एयरलाइंस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। एयरलाइन ने ट्वीट करके कहा है कि हम ऐसे व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से बवाल को जन्म दे दिया है। हाल ही में ज़ायरा वसीम आमिर खान के साथ ही सीक्रेट सुपरस्टार में दिखी थी, लेकिन अब ज़ायरा वसीम परेशान है, रो रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।